हरियाणा में रेवाड़ी जिले के कौसली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक कांग्रेस हाथ पर हाथ रखे बैठी रही और पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले जाता रहा, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, हम घर में घुस कर मारते हैं। सोमनाथ के मंदिर का विरोध किया, इतिहास गवाह है, भगवान राम के मंदिर का विरोध किया। अरे राम कहाँ पैदा हुए? मुझे कितना सुंदर भगवान राम की यहाँ प्रतिमा दी, आप बताओ राम जी कहाँ पैदा हुए? माता जी कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ कहाँ पैदा हुए? आप बताओ भाई साहब कहाँ पैदा हुए? आप सबको मालूम, और नहीं मालूम तो कांग्रेस वालों वो कहते कहाँ पैदा हुए, हमको नहीं मालूम, कितना दुर्भाग्य है। अरे भगवान राम की धरती पर राम जी पता नहीं मालूम के कहां पैदा हुए? अरे इतना तो कोई धर्मवीर हो नहीं सकता है। ये भगवान राम अयोध्या की धरती पर सरयू के किनारे जनक सुता, अरे तो सबको मालूम है, लेकिन कांग्रेस ने सदैव इस बात से दूर किया। आप बताइए सूरता वीरता की लड़ाइयों में क्या राम रावण के युद्ध को भूल सकते हैं या कृष्ण और कंस के युद्ध को भूल सकते हैं? अरे हमारी परंपरा वहां जाके जुड़ती है। 17 लाख साल पहले भगवान राम हुए और 5000 साल भगवान कृष्ण हुए। एक ने मर्यादा के साथ खुद का जीवन जी के सिखाया और दूसरे ने कहा जो मर्यादा तोड़ेगा उसको लाइन पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे श्री कृष्ण भगवान ने किया है। कि मर्यादा के खिलाफ कोई भी जाएगा उसको मर्यादा रखना पड़ेगी, जो धर्म के मार्ग को छोड़ेगा उसको लाइन पे लाना, ये हमारे भगवान कृष्ण ने सिखाया। और कदम कदम पर इतनी सारी उदाहरण है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बात विस्तार से नहीं करूंगा, लेकिन आज देश के अंदर जब आप अपन बात कर रहे हैं, हमारे रणबांकुरे सीमा पे आकर के अपनी छाती तो लगाते हैं, लेकिन कितना दुख होता है जब बगल का पाकिस्तान कभी भूले भटके हमारे अपने सैनिकों के सर काट करके फुटबॉल खेलता था। अरे ये अपने बच्चे देश सेवा के लिए जाते हैं, ये अपने धर्म के लिए जाते हैं, अपने जीवन काल में वो पुरुषार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन नाकारा और निकम्मे लोग दिल्ली में जब बैठते हैं कांग्रेस के तो ये कहते हैं हम क्या करें, पाकिस्तान मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के लोग कर देते। अरे पाकिस्तान के लोग कर देते, पर तुम क्या चूड़ी पहन के बैठे हो भाई? अपने आप बहादुरों का इतिहास है। मैं माता बहनों का भी सम्मान की बात करता हूँ, रानी दुर्गावती को याद करते हैं जिन्हें 300 साल पहले अगर अकबर बादशाह के दांत खट्टे किए, झांसी की रानी ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, ये पुरुषार्थों की धरती है। आज अपने इस बीच में देखो, आपने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार दी और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, इस बात का आनंद आया कि नहीं आया? ये देश और देश का पुरुषार्थ है, हमको कितना आनंद आया होगा। लगातार 70 साल तक हाथ पे हाथ धर के बैठे थे, पाकिस्तान की सीमा में आतंकवादी कैंप पनप रहे हैं, हम क्या करें, वहां अड्डे हम क्या करें, और वो आकर पूरे देश में कभी दिल्ली कभी बंबई मर्जिया जा बम फोड़ते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पाकिस्तान के लिए एक नहीं दो दो बार मार करके नरेंद्र मोदी ने हम सबको गौरवान्वित किया है। तो ये करने का कारण क्या है? ये सीमा पे बैठे हुए जवान की तरह ऐसी की ऐसी सेना के जवान के नाते से वो प्रधानमंत्री के रूप में इस देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो हमारा 2014 का वोट देना सार्थक हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? और सबके इसलिए, लेकिन कांग्रेस के लोग तब भी कह रहे थे, आज भी पप्पू जिनके दिमाग में क्या है मालूम नहीं, लेकिन कह रहा ये जब कोरोना आया तो ताली बजा के थाली बजा रहे थे। बाबू ताली और थाली तो बजा ही रहे थे, तेरी भी जान बचाई, तूने भी रात की 12 बजे बाद जाके इंजेक्शन लगाया था, आज हम पे आरोप लगा रहा है। अपने पिताजी, उनके माताजी, उनके पिताजी, वो पूरी लंबी लाइन है कांग्रेस वालों की। 60 साल तक तुमने राज किया लेकिन देश को असहाय छोड़ा।